नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। यूएस इन्फ्लेशन डेटा से पहले क्रिप्टोकरेंसी में आई गिरावट, $30,000 से नीचे रहा बिटकॉइन। ग्रेस्केल के क्रिप्टो प्रोडक्ट्स की हो रही है इंडिया में एंट्री। एसईसी द्वारा की जा रही है टेरा यूएसडी स्टेबल कॉइन की जांच। ग्रेस्केल बिटवाइज को है स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूवल हासिल होने की उम्मीद। ऑर्डरली नेटवर्क ने नियर प्रोटोकॉल पर डीफाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जुटाए $20 मिलियन। एप कॉइन कम्युनिटी ने इथेरियम इकोसिस्टम में रहने के लिए किया वोट। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड को जांचने में IIT कानपुर ने की यूपी पुलिस की मदद। मेटावर्स शब्द के जनक नील स्टीफनसन ने लॉन्च की मेटावर्स ब्लॉकचेन। शुक्रवार के अंत में यूएस इन्फ्लेशन डेटा के रिलीज होने से पहले इन्वेस्टर्स को सतर्क होते हुए देखा गया, जिसकी वजह से क्रिप्टोकरेंसी में और गिरावट देखने को मिली। बिटकॉइन को $30,000 से नीचे ट्रेड करते हुए देखा गया। ऐसे में मेगा कैप ग्रोथ स्टॉक्स में गिरावट देखी गई, जिसमें एप्पल और Amazon.com लगभग 4% नीचे रहे और S&P 500 और NASDAQ को दबाव के साथ 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ देखा गया। USCPI द्वारा ये दिखाने की उम्मीद है कि मई में कंज्यूमर प्राइसेस में 0.7% की बढ़त हुई है, जबकि कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो वॉलेटाइल फूड और एनर्जी सेक्टर को शामिल नहीं करता, वह महीने भर में 0.5% बढ़ा है। वेस्टेड फाइनेंस, जो एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, ने ग्रेस्केल के क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, जिससे इंडियन इन्वेस्टर को बिटकॉइन, इथेरियम और दूसरे क्रिप्टो एसेट से एक्सपोजर प्रोवाइड होगा और वे भी क्रिप्टो करेंसी के बिना डायरेक्ट परचेज के। इस इन्वेस्टमेंट को US इक्विटीज के साथ कैपिटल गेन्स टैक्सेशन के तहत रेगुलेट किया जाएगा, ताकि क्रिप्टो गेन्स पर इंडिया के 30% टैक्स और 1% TDS से बचा जा सके। वेस्टर्न फाइनेंस के प्रीमियम कस्टमर्स बिटकॉइन ट्रस्ट, इथेरियम ट्रस्ट, लाइटकॉइन ट्रस्ट, इथेरियम क्लासिक ट्रस्ट, बिटकॉइन कैश ट्रस्ट और मल्टी एसेट ग्रेस्केल डिजिटल लार्ज कैप फंड में निवेश के एक्सेस के साथ इन प्रोडक्ट्स तक पहुंच सकते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडिविजुअल के टैक्स स्लैब के अनुसार और 2.5% ट्रांजैक्शन फीस के साथ रिस्पेक्टिवली 20% टैक्स लगाया जाएगा। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इस बात की जांच कर रहा है कि टेराफॉर्म लैब्स सिंगापुर रजिस्टर्ड कॉरपोरेशन, जिसने टेरा USD स्टेबल कॉइन और लूना टोकन को बनाया है, ने क्रिप्टो कॉइन्स का विज्ञापन करने के तरीके से संबंधित US लीगल गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है या नहीं। टेरा और लूना ने अपने प्राइस क्लोजिंग मंथ में फंक्शनली सब कुछ खो दिया। ऐसे में टेराफॉर्म ने लूना को फिर से लॉन्च करने की कोशिश की है एक नए टोकन के रूप में, ताकि ओरिजिनल को लूना क्लासिक रीब्रांड किया जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार SEC का डिवीजन ऑफ एनफोर्समेंट के मेंबर्स इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या टेराफॉर्म के टोकन की मार्केटिंग के जरिए से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रूल्स को तोड़ा गया था या नहीं। एजेंसी पहले से ही टेराफॉर्म फाउंडर डो क्वान की मिरर प्रोटोकॉल के निर्माण में उनकी भूमिका के संबंध में जांच कर रही थी, जो यूजर्स को सिंथेटिक स्टॉक्स का रिप्रेजेंट करने वाले टोकन का ट्रेड करने की अनुमति देता है। इस बीच टेराफॉर्म लैब CEO डो क्वान ने US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा दिए गए एक समन के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील्स में सेकंड सर्किट के लिए एक याचिका खो दी है। इन्वेस्टमेंट फर्म्स ग्रेस्केल और बिटवाइज ने कहा है कि वे ऑप्टिमिस्टिक थे कि स्पॉट बिटकॉइन ETF को फाइनली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। ऑप्टिमिज्म के कारणों का हवाला देते हुए बिटवाइज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मैट हॉगर ने 1940 के इन्वेस्टमेंट एक्ट के आधार पर बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF की स्थापना के लिए हालिया अप्रूवल का हवाला दिया, और फिर हाल ही में 1933 के इन्वेस्टमेंट एक्ट के आधार पर दो बिटकॉइन फ्यूचर्स ETFs, सेम एक्ट जिसके अंडर स्पॉट बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF को फाइल किया गया है। ग्रेस्केल, जो दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन फंड चलाता है, वे ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट और बिटवाइज के लिए SEC की तरफ से अपने स्पॉट बिटकॉइन ETF एप्लीकेशंस के खातिर इम्पेंडिंग डेडलाइंस का सामना कर रहा है। GBTC को स्पॉट बिटकॉइन ETF में कन्वर्ट करने के लिए ग्रेस्केल के प्रपोजल को एक पब्लिक कॉमेंट पीरियड से गुजरना पड़ रहा है, जिसमें SEC के फैसले की डेडलाइन 6 जुलाई है, जबकि बिटकॉइन डिसीजन की डेडलाइन 29 जून है।
प्रेस्केल में ETF के ग्लोबल हेड डेविड लावेले ने बिटकॉइन के तर्क से सहमति जताते हुए कहा है कि अब ये साफ रूप से एक सवाल है कि ये कब होने वाला है। ऐसे में SEC को 6 जुलाई तक स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए ग्रेस्केल के रिक्वेस्ट पर फैसला करना होगा। ऑर्डरली नेटवर्क, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्रोटोकॉल ने थ्री एरोस कैपिटल के साथ कई क्रिप्टो फंड से $20 मिलियन का स्ट्रेटेजिक फाइनेंसिंग राउंड को पूरा किया है। ऑर्डरली नेटवर्क नियर प्रोटोकॉल के टॉप पर बनाया गया एक परमिशनलेस प्लेटफॉर्म है। ये पीयर टू पीयर ट्रेडिंग करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर रिलाय करता है और यूजर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट और शेयर्ड एसेट पूल्स प्रोवाइड करता है। इस तरह से ऑर्डरली फ्रेश कैपिटल का इस्तेमाल ज्यादा स्टाफ को हायर करने, दूसरे क्रिप्टो फर्म्स के साथ साझेदारी करने और नए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोडक्ट्स के निर्माण के लिए किया जाएगा। ये अपने प्लेटफॉर्म पर लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए कम्युनिटी लेंडिंग पूल्स भी शुरू करेगा। टोकन होल्डर्स यील्ड्स रिसीव करते हुए ऐसे पूल्स पर मार्केट मेकर्स को एसेट उधार देने में सक्षम होंगे। ApeCoin DAO एक गवर्नेंस सिस्टम है जो ApeCoin के डेमोक्रेटिक राइट्स की रक्षा करती है। ऐसे में उसे डिबेट करने के लिए एक ऑफिशियल प्रपोजल पब्लिश किया है कि क्या एसेट को इथेरियम पर रहना चाहिए, लेयर 2 अल्टरनेटिव में माइग्रेट करना चाहिए या चेन माइग्रेशन पर विचार करना चाहिए। PAYC 2491, जिसे ASEC के रूप में भी जाना जाता है, ने AIP 41 कीप ApeCoin इन द इथेरियम इकोसिस्टम टाइटल के साथ ApeCoin इम्प्रूवमेंट प्रपोजल लिखा है, जो अलग अलग प्रकार के इवेंट से इंस्पायर्ड था, जिसमें टर्बुलेंट अदर डीड मिंट और बाकी शामिल थे। हालांकि प्रपोजल के फेवर में 3.8 मिलियन वोट और अगेंस्ट में 3.3 मिलियन वोट मिले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 53.62% में स्प्लिट हुआ है। ये आखिरी रिजल्ट नहीं है और 3 महीने के ग्रेस पीरियड के भीतर नए सजेशन सबमिट करके इसका रिव्यू किया जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर द्वारा इंडिजिनियसली डिजाइन टूल्स को बहुत जल्द यूपी पुलिस को प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे उन्हें क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड के केसेस को डिटेक्ट और सॉल्व करने में मदद मिलेगी। IIT कानपुर के प्रोफेसर संदीप शुक्ला ने कहा है कि HOP नाम के ये टूल क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर सकते हैं। प्रोफेसर शुक्ला ने कहा है कि ये टूल किसी भी फॉरेन इक्विपमेंट से ज्यादा किफायती है और बहुत जल्द ये टूल क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने में यूपी पुलिस के काम आएंगे। SP साइबर क्राइम त्रिवेणी सिंह ने कहा है कि ये प्रोग्राम MHA और उत्तर प्रदेश पुलिस का जॉइंट इनिशिएटिव है और पहला ऐसा इवेंट है जिससे साइबर सेफ्टी अवेयरनेस स्प्रेड करने के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो रही है। 30 साल पहले मेटावर्स टर्म को क्रिएट करने वाले ऑथर नील स्टीवनसन लमीना वन नाम का मेटावर्स फोकस ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। फॉर्मर बिटकॉइन फाउंडेशन के चेयरमैन पीटर वेसेनेस और स्टीवनसन ने एज को फाउंडर्स लमीना वन नाम के नए लेयर वन ब्लॉकचेन की शुरुआत की है, जो ओपन मेटावर्स के लिए बतौर फाउंडेशन लेयर सर्व करेगी। स्टीवनसन ने मेटावर्स को लेकर भी अपना मन बदलते हुए कहा है कि मेटावर्स का एक्सपीरियंस मेटा या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए AR/VR हेडगेयर और ग्लासेस की बजाय मोस्ट लाइकली फ्लैट 2D स्क्रीन्स पर फोकस रहेगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो TV।